खम्मा गणिसा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, फिट होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है कि जब भी राजपूती ब्राइड्स या राजपूती बाईसा डांस करते हैं तो डांस से पहले किस तरीके से अपने डांस को स्टार्ट करें, किस तरीके से अपने डांस को रिप्रेजेंट करें, तो यही आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले होता है डांस में पगा लगने की रस्म। जो भी राजपूती ब्राइड्स या बाईसा हैं उनको पगा लगना है। मैं ब्राइड्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जो भी बीनी सा हुक्म है उनके लिए पगा लगने। अगर बीनी सा हुक्म फैमिली फंक्शन में आप स्टार्ट कर रहे हैं डांस, तो फैमिली फंक्शन में जो भी आपके सामने आपसे बड़े बैठे हैं, ढोल है, जो भी आपके ससुराल वाले बैठे हैं, तो उनके पगा लगना बहुत ही जरूरी होता है डांस स्टार्ट करने से पहले। तो वो वाला आपको बताएंगे। डायरेक्ट डांस स्टार्ट करना बहुत ही ऑकवर्ड लगता है अपने राजपूतों में। तो जब भी आप अपना डांस शुरू करें उससे पहले सबको धोख लग लें, जो भी आपसे बड़े बैठे हैं उनको धोख लग लें। धोख लगने का जो स्टेप है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। आप अपने पल्ले को लें दोनों हाथों के बीच में, एक हाथ ढका हुआ रहेगा, फिर ऐसे दो बार करके इस साइड धोख लगे और दो बार इस साइड, ऐसे करके चारों तरफ धोख लग लें। जहां भी आपके सामने गेस्ट बैठे हुए हैं, आपसे बड़े बैठे हुए हैं, वापस से आप देख लीजिए इस तरीके से आपको धोख लगना है। बहुत ही यूनिक और ट्रेडिशनल लगता है इस तरीके से आप धोख लगते हैं। फिर अपने जो भी ओढ़नी है उसको ठीक करके घूमर से डांस स्टार्ट करें। घूमर से डांस को आप स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत ही यूनिक माना जाता है। तो जो भी ब्राइड्स हैं, बाईसा हुक्म है, बाईसा हुक्म का सिर्फ इतना सा रहेगा कि बाईसा हुक्म का घूंघट नहीं रहेगा और एक बार धोख लगने से ही काम चल जाएगा। बीनीसा को तीन बार धोख लगनी होगी तीनों साइड में, और अगर आपके पीछे भी गेस्ट बैठे हुए हैं तो पीछे की साइड भी लगना होगा हुक्म। फिर आप अपना रजवाड़ी डांस, जो भी राजपूती डांस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हुक्म, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगले जो डांस स्टेप हैं उनका पार्ट आने वाला है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सा खमा गणी हुक्म।